अब मैं एक प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता से करती हूँ, अगर आप लोग सहमत तो हैं तो ध्वनि मत से मेरी इस बात का समर्थन कीजिएगा। दरअसल आप दोनों ने इस देश की संसद को बेमानी कर दिया है। मेरा आरोप आप दोनों पर है, राहुल गांधी के नाम पर हो, जिस भी मुद्दे के नाम पर हो, आप लोग संसद सत्र को स्वाहा करते हैं, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे, हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। अंजना जी, ये क्या तमाशा है? ये तो मैं बोलूं। 14 महत्वपूर्ण बिल है जिनको पास होना था, एक सेकंड रुकिए, 14 महत्वपूर्ण बिल थे जिनको पास होना था, आप लोग बजट तक बिना बहस के पास करा देते हैं, कैसे चल रहा है ये सब? आप दोनों की जवाबदेही और जिम्मेदारी, आप कहते हैं राहुल माफी मांगिए, आप कहते हैं अडानी पर आप जेपीसी बनाइए, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद आप लोग, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बिना नौकरी किए तनख्वाह कोई दे दे। आप लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, वेल में पहुंचते हैं, प्लकार्ड दिखाते हैं, घर चले जाते हैं, क्या मजाक बना रहे हैं? आप बोलेंगे, आप सरकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सदन चले। मैं कहता हूं इस संसद सत्र में आपने कहा कि हमारी तरफ से भी मांग है और इनकी तरफ से भी मांग है, पिछले संसद सत्र में क्या था? तब भी तो इन्होंने रोका हुआ था। तो आप बदला ले रहे क्या नहीं, देश नहीं, से? पहले आप बदला ले रहे हैं क्या देश से? अच्छा, आप एक संसद सत्र बताइए जो इन्होंने चलने दिया हो पिछले एक साल, बताइए एक भी नहीं। कभी पेगासस के मुद्दे पे, कभी रफेल के मुद्दे के ऊपर, कभी किसान आंदोलन के मुद्दे के ऊपर, इतना ही नहीं, स्पीकर की टेबल पे खड़े होकर किताब फेंक फेंक के मारना, ऐसा राज्यसभा में कभी नहीं हुआ, वो इन्होंने सीन क्रिएट किया। और मैं किया कि बजट सत्र में हम स्वाहा कराएंगे राहुल गांधी के नाम सत्र स्वाहा। पूरी बात सुनिए, आप हमारी सरकार के खिलाफ बोलिए कोई बात नहीं, आप हमारी पार्टी के खिलाफ बोलिए कोई बात नहीं, मोदी जी के लिए जितना विश्वमन करना है करिए, गाली बकिए, वो सब कोई बात नहीं, हमने झेला, पर भारत को गाली बकेंगे अगर आप कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया है, अगर आप ये कहेंगे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो माफी मांगे बगैर काम नहीं चलेगा, ये हमारा स्पष्ट मानना। चुनाव जीतते नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे हिमाचल आप जीते ना भाई साहब, फिर लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था। अंजना जी, राहुल गांधी जी किस बात के लिए माफी मांगे कि सदन में ये चर्चा नहीं होने देते कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है? राहुल गांधी जी किस लिए माफी मांगे कि सदन में बात नहीं होने देते कि चीन ने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इंपोर्ट कर दिया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स कहती कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को चीन के इस इंपोर्ट ने तबाह कर दिया, क्या इस बात के लिए माफी मांगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगे कि सर्वोच्च अदालत पेगासिस के निर्णय में कहता है कि सरकार ने हमको अपेक्षित मदद नहीं की, 5 फोन में हमने इन्फेक्शन पाए थे लेकिन वो ट्रेसेस पेगासिस के हैं कि नहीं कह नहीं सकते? राफेल के फैसले में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सर्वोच्च अदालत का फैसला था वो गलत था और सरकार गई संशोधन याचिका लेकर, सरकार संशोधन याचिका लेकर गई और कहा कि आपके फैसले में संशोधन कर दीजिए, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, क्या इसके लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए राहुल गांधी माफी मांग ले कि आप अडानी जी के लिए इतने प्रोटेक्टिव है कि जेपीसी की मांग को खारिज कर देते हैं? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई तो बीजेपी एक लिफाफा लेकर, जनता से जुड़ा एक काम मत कीजिए, करते रहिए, आप पर भी लिफाफा लेकर न्यायालय हमारी कमेटी जांच करेगी, जेपीसी पर जेपीसी जाते नहीं और कहते कि हमारी कमेटी क्यों? सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाई कि हम पारदर्शिता चाहते हैं अडानी के मामले में, हम नहीं चाहते कि सरकार की समिति बात करे। आप पूरा देखिए ये देश पर हमला है कि नहीं हमला है? मैं बोलूं, देखिए मजेदार बात देखिए, फिर आप देखिए, सुनिए, खामखाम वाले बीच में चुप रहिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये है जो आपकी आदत है सत्ता की, ये जो नशा है ना, किसी को खामा खा बोल देना, सुनिए, ये किसी को खामा, मैं एक वोटर हूँ, एक वोट देता हूँ, क्या बात करते हो आप? खामा ये खामा खा होगा, अगर एमपी एमएलए नहीं है खामा खा होगा, एमएलए एमपी नहीं खामा खा होगा, इधर है सब वोटर है और वोटर का काम नहीं कर सकते आप, वोटर का काम नहीं कर सकते आप। अब बोलने दीजिए मुझे, अब बोलिए, देखिए इनसे सवाल पूछा गया जब ये सत्ता, जब विपक्ष में थे तब भी ये हल्ला मचा मचा के पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, यही भारतीय जनता पार्टी, इनको याद होगा, आज तब ये बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में क्योंकि हल्ला मचाते थे, एक एक महीना पार्लियामेंट नहीं चली है, आज सत्ता में है, इनकी जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट चलाना,
इनकी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के साथ बैठ के बात करना। अगर विपक्ष नाखुश है तो उसको मनाइए, उससे बात कीजिए, सहमति बनाइए, पार्लियामेंट चलाइए, क्योंकि आपने, जनता ने आपको वोट दिया है। जनता इंतजार करती है कि आएगा आदमी, ये आएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी जगह से लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं, और लोकसभा के सदस्य जिस लोकसभा से चुन के जाते हैं वो अपनी अपनी समस्या रखेंगे, अपनी गांव की रखेंगे, अपने कस्बे की रखेंगे। आपने वो प्लेटफॉर्म उनसे छीन लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में बहस हो।